दोस्तों, अगर दुनिया के 7 अजूबों की बात की जाए तो उसमें इजिप्ट के द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा का नाम सबसे पहले लिया जाता है। इस पिरामिड का प्राचीन इतिहास, सभ्यता, कलाकृति और बनावट आज भी सभी लोगों को हैरान कर देती है। दोस्तों, इजिप्ट के पिरामिडों के रहस्यों को सुलझाने के लिए वैज्ञानिक कई सालों से लगे हुए है, लेकिन जितने रहस्य सुलझाए जाते हैं उतने ही उलझते जाते हैं। तो आज के हम इस वीडियो में इन पिरामिड से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, माना जाता है कि पुराने समय में इजिप्ट के जो किंग होते थे उन्हें फेरोज कहा जाता था। जब ये फेरोज मरते थे तो इनकी डेड बॉडीज को दफनाने के लिए इन पिरामिडों का निर्माण कराया जाता था, क्योंकि इजिप्शियन लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। उनका मानना था कि इंसान मरने के बाद दूसरी दुनिया में जाता है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि इन डेड बॉडीज को मम्मीफाई करने के बाद इनके साथ कपड़े, गहने, खाने पीने का सामान और हथियार भी इन पिरामिड में दफनाए जाते थे। और तो और, उनके नौकरों को भी इनके राजाओं के साथ जिंदा दफनाया जाता था। दोस्तों, इजिप्ट के पिरामिड पर आज भी रिसर्च जारी है और हर बार यहाँ वैज्ञानिकों को नए रहस्यों का पता चलता है। इजिप्ट के पिरामिड लगभग 4500 साल पहले बनाए गए थे। इनमें से गीजा का पिरामिड सबसे ऊंचा है, जिसे द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा कहा जाता है। यह पिरामिड 650 फीट ऊंचा है। कहा जाता है कि इस पिरामिड को बनाने के लिए लगभग 30 लाख मजदूरों ने 23 साल तक काम किया था। गीजा के पिरामिड में 23 लाख चूना पत्थरों का उपयोग किया गया है। ये पत्थर 2 टन से लेकर 30 टन के हैं और ये पिरामिड 13 एकड़ में फैला हुआ है। दोस्तों, गीजा के पिरामिड को 2560 BC में इजिप्ट के शासक खुफू के चौथे वंश द्वारा बनाया गया था। इस पिरामिड के पास 2 पिरामिड और हैं जो इससे छोटे हैं। दूसरे पिरामिड का नाम पिरामिड ऑफ खाफरे है। कहा जाता है कि खुफू के बेटे खाफरे ने इस पिरामिड का निर्माण करवाया था, जबकि तीसरे पिरामिड का नाम पिरामिड ऑफ मेनकाउरे है, जिसे खाफरे के बेटे ने बनवाया था। और यहाँ पर पिरामिड के अलावा द ग्रेट स्फिंक्स और कई टूम भी है। यहाँ पर टोटल लगभग 118 पिरामिड मौजूद है। दोस्तों, गीजा के पिरामिड के आसपास रेगिस्तान होने की वजह से वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, लेकिन पिरामिड के अंदर का टेम्परेचर हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। दोस्तों, कहा जाता है कि वैज्ञानिकों ने कई सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये पता लगाया है कि पिरामिड के अंदर एक प्रकार की एनर्जी वेव्स लगातार काम करती है, जो सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की वस्तुओं पर इफेक्ट डालती है। वैज्ञानिक इसे पिरामिड पावर कहते हैं और ऐसा माना जाता है कि इस पिरामिड के अंदर बैठने से कई बीमारियां खत्म हो जाती हैं। पिरामिड के अंदर खुफू के शरीर को छोड़कर क्या है यह आज तक कोई नहीं जान पाया है। एक वैज्ञानिक ने कहा था कि 4000 साल पहले इस पिरामिड में 2 कमरे थे, जिन्हें किंग चैम्बर एंड क्वीन चैम्बर कहा जाता है। इन कमरों में कुछ सामान लगे हुए हैं, जिसे हम फर्नीचर कह सकते हैं। कहा जाता है कि फर्नीचर फेरो खुफू के शरीर को रखने के बाद लगाए गए थे। इस पिरामिड को लेकर आज भी कई सवाल हैं जो अनसुलझे हैं, जैसे कि उन्होंने बिना किसी मशीनों के इतने बड़े पत्थर कैसे पहुंचाए होंगे, जबकि आज के समय में क्रेन भी 10,000 किलो से ज्यादा वजन नहीं उठा सकती है। इसे लेकर कई वैज्ञानिक अलग अलग थ्योरीज बताते हैं, लेकिन इसका सटीक उत्तर किसी के पास नहीं है। बहुत सारे वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पिरामिड सिर्फ डेड बॉडीज को दफनाने के लिए नहीं बनाए गए थे, बल्कि और भी कई कारणों की वजह से इनका निर्माण पृथ्वी के अलग अलग जगह पर किया गया था। लेकिन इतने सारे पिरामिडों को बनाने का कारण अभी तक कोई नहीं जान पाया है। पिरामिडों के बाहर पत्थरों को इतनी कुशलता से बनाया और बिठाया गया है कि इनके बीच में एक ब्लेड भी नहीं घुसाई जा सकती है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि तीनों पिरामिडों का निर्माण ओरियन बेल्ट के 3 तारों की सीध में है। कुछ लोग तो कहते हैं कि इन पिरामिडों का निर्माण इजिप्शियन और एलियन ने मिलकर किया था, और ये एलियन पिरामिड के ऊपर स्थित उन्हीं ओरियन बेल्ट के तारों से आए थे। वैज्ञानिकों का कहना है कि इतने बड़े पिरामिड उस समय बिना किसी टेक्नोलॉजी के बनाना इम्पॉसिबल था, इसलिए एलियंस ने इजिप्शियन लोगों की मदद की थी। लेकिन ये सब बातें वैज्ञानिकों के लिए आज भी पहेली बनी हुई है। वैसे आपका क्या कहना है इन पिरामिड्स के बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।